गुड इवनिंग वेलकम टू एन अकेडमी दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है. क्लियर गुड इवनिंग ये कुछ बैड बैड एलिमेंट्स आ रहे हैं बैड मुंडे आ रहे हैं. ठीक है बट एनी जी. गुड इवनिंग गाइस वेलकम टू द न्यू चैप्टर टू द न्यू बैच बैच वैसे आप हमारा पुराना ही है दैट इज समर्थ बैच लेकिन आज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बची थी बिकॉज वी वो वेटिंग कि हम सब एजुकेटर्स कब एक साथ इकट्ठे हों तो आज बेटा ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई कि YouTube पे बेटा आपका सिलेबस 2023 और 2024 के लिए कौन सा बैच आपको सिर्फ रेफर करना है दैट इज गोइंग टू बी समर्थ बाच. समर्थ बैच बैच के अलावा बेटा YouTube से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है बस आप मेरा लिंक ट्री देख सकते हैं हाँ जहां पर मैं हूं वहां देख सकते हैं जहां मेरी टीम है वहां देख सकते हैं क्योंकि यार ये टीम तुम्हारे साथ आज नहीं कब से जुड़ी हुई है एक ही जगह पर जुड़ी हुई है हम लोग जगह भी चेंज नहीं करते हैं बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कंफ्यूज यू एंड आई डोंट वांट कि तुम इधर उधर भटको यार एक जगह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी तैयारी कर लो जहां से इतने सारे रिजल्ट आए तो यार उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं सेक्शुअल रिपोर्डक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है बेटा उस बच्चे के बारे में देखिए मैं ऑलरेडी इस बैच में अगर मैं देखूं तो मैंने डाइजेशन करा दिया था सेल करा दिया है सेल साइकिल करा दिया है ये तीनों आपको इसी की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगी बट क्या ये चीजें दोबारा होंगी यस होंगी लेकिन थोड़ा सा डिलेड होगी अभी नहीं होंगी अभी हम आज क्या करने वाले हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या ये बैच सिर्फ 2023 के लिए है या 2024 के लिए है क्या इसको इलेवेंथ क्लास का बच्चा देख सकता है बिल्कुल देख सकता है क्लास वाले अपने 11th का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए इसी बैच को फॉलो करेंगे ट्वेल्थ क्लास वाले अपने ट्वेल्थ का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए इसी बैच को फॉलो करेंगे ड्रॉपर को तो यार दोनों ही देखना है जब बेटा यार ट्वेल्थ चल रही है तो इलेवंथ वाला बच्चा इग्नोर मारे या फिर करना चाहे कर भी सकता है उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो बट ट्वेल्थ और ड्रॉपर को तो हर चीज करनी है क्या, सारे चैप्टर्स होंगे बिल्कुल सारे चैप्टर्स 38 38 हम, हम रख देते हैं बट उसपे मत जाओ सारा कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा नाम कई बार बदल जाता है कई बार ऊपर नीचे हो जाता है तो इतनी फ्लेक्सीबल आई वुड वॉन्ट कि तुम लोग रहो तुम्हें मतलब किससे होना चाहिए कि मेरा कॉन्टेंट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है कंटेंट आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा टू द पॉइंट मिलेगा जितना नीट में वैलिड है उतना मिलेगा, ना हम कम पढ़ाएंगे ना हम ज्यादा वही पढ़ाएंगे और बिगिनिंग ऑफ नवरात्र सो सबसे पहले जो जो लोग मनाते हैं जिनके घर में चीज मनाई जाती है सो हैप्पी नवरात्र टू ईच एंड एवरी ऑफ यू आई विश कि आपके लिए ये जो <laughs> आने वाला समय है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस हो एंड इसी के साथ बेटा हम शुरुआत कर रहे हैं फेस्टिवल्स की भी आप जानते हैं अभी नवरात्र है देन 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 अष्टमी एंड दिवाली लॉट्स ऑफ फेस्टिवल आर कमिंग अप और यही मेरी शुभकामना रहेगी कि यार सब लोग खुशहाल रहे एंड आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर है ना अगले साल बेटा आपको एग्जाम देना है अब उस अगले साल एग्जाम के लिए ट की अगला जो तुम्हारा नवरात्र है दिवाली है वो तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल रूम में से हो वाई बिकॉज अगले साल अगर तुमने इस बैच को फॉलो कर लिया अगर तुमने इस को फॉलो कर लिया पूरी टीम को फॉलो कर लिया तो बेटा वी विल डू ईच एंड एवरी थिंग टू मेक श्योर दैट यू एंड अप इन अ मेडिकल कॉलेज एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली ठीक है ये मत सोच मैं सोच रहा हूँ मैं हॉस्पिटल की बातें कर रही हूँ अगले साल हॉस्पिटल पहुंचा देंगे हमें नहीं मेडिकल कॉलेज वाला हॉस्पिटल जहां तो तुम्हारा ड्रीम है यार एज अ स्टूडेंट लैब कोट डाल के स्टेथोस्कोप डाल के फाइल उठा के आईपैड उठा के घूमना ये किसका ड्रीम नहीं होता और वो ड्रीम डिफिकल्ट नहीं है इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे नासा में एडमिशन लेनी है ऐसा ड्रीम नहीं है ये ड्रीम बहुत ही सिंपल सा ड्रीम है और सिंपल लोगों का ही पूरा होता है जो इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते यार नाइनटी एट चैप्टर्स हैं क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो एक एक करके चैप्टर पढ़ते जाओ चैप्टर को रिवाइज करते जाओ चैप्टर के पीवाई क्यू लगाते जाओ इतना तो करो एटलीस्ट इतना तो करो फिर टाइम टू टाइम जब मॉक टेस्ट होते हैं मॉक टेस्ट देते जाओ बेटा जितना सिंपलीफाइड इसको रखोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी यस ओके <laughs> okay जी चलिए तो सब बच्चे याद है हाँ एक बात और बेटा जो जो बच्चे सोच रहे हैं कि वन शॉट है ये वन शॉट नहीं है ये डिटेल्ड लेक्चर है क्या है डिटेल लेक्चर है वैसे मैं अपनी बात बताऊं तुम कहोगे मैम आपका तो वन शॉट डिटेल सब एक है क्यों क्योंकि मैं वन शॉट में भी इतना डिटेल करा देती हूँ क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता यार जो इन्फो मेरे पास है जो इन्फो बच्चे को रिक्वायर्ड है नो no मैटर मैं चाहे पेपर से एक दिन पहले कराऊँ एक साल पहले कराऊं मैं सब कराऊंगी तो इफ यू हैव ओल्ड नोट्स ऑफ वन शॉट मेरे ख्याल से वो वैलिड uh, होंगे क्योंकि मैंने सब सब करा दिया था लेकिन अब मैं धीरे धीरे उसी चीज को समझाते हुए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे ठीक है इस चैप्टर के बहुत सारे हिस्से शुरू करें एक बार यार सेशन को लाइक कर दो तभी मैं थोड़ा चैप्टर के बारे में बताऊंगी <coughs> फटाफट से। yes. एक बार बेटा फटाफट से लाइक कर दो <coughs> सब कुछ सिखाऊंगी बेटा सब कुछ सिखाऊंगी एक्सेप्शन कैसे लर्न करनी है इस चैप्टर को किस वे करना है देखिए बीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन बीट प्लांट रिप्रोडक्शन एक स्पीशी को अगर तुम सालों तक जिंदा रखना चाहते हो तो आपको उसको क्या कराना पड़ेगा रिप्रोड्यूस कराना पड़ेगा क्योंकि यार लाइफ तो छोटी है लिमिटेड है फाइनाइट है अजय अमर तो कोई भी नहीं है ना तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि ये ह्यूमन की स्पीशी बढ़ती रहे आगे तो क्या कराना पड़ेगा रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा तो इस चैप्टर में टोटल आपके पास चार चैप्टर है पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो कि एक बेसिक चैप्टर है दूसरे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तीसरे चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें से बेटा मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म छोड़ दिया है क्योंकि वो बहुत बेसिक है इसको मैं किसी भी एक दिन में वन शॉट में करा दूंगी बट येस द इंपॉर्टेंट वन इज गोइंग टू बी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है चार क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो विच इज द्यूज वेटेज फॉर एनी चैप्टर क्या ये चैप्टर टफ है बिल्कुल भी टफ नहीं है एक स्टोरी की तरह है कि यार ये मेल पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है इसने अपना गैमिट बनाया इसने अपना गैमिट बनाया फिर पॉलिनेशन हुई फर्टिलाइजेशन हुई और फर्टिलाइजेशन के बाद नया प्लांट नया फ्रूट उगाया तो उसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में करते हुए चलेंगे शुरू करें लाइक कर दिया सेशन चेक कर लू <coughs> किया नहीं है यार यस yes, किया नहीं है कम ऑन कम ऑन बेटा इलेवेंथ और ट्वेल्थ इसी बैच में पूरी करूंगी मैं ही करूंगी जोलॉजी बॉटनी सब कुछ होगा जिसको पढ़ना है वो बिल्कुल मेरे से पढ़ सकता है जिसको यहाँ बतियाना है बेटा वो कहीं और जाके बतियाए यहां पर नहीं यहां पर बातें नहीं चलेंगी स्ट्रेट टू द पॉइंट स्टडी चलेगी ठीक है जी चलो जी सेशन को लाइक कर दिया है तुमने तो आज बेटा शुरुआत करते हैं नवरात्र के दिन पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं अब यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं ये मैं थोड़ा सा तुम्हें रिप्रोडक्शन वाले का समझा देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट को इन्वॉल्व करती है यानी कि इसमें दो माता पिता की रिक्वायरमेंट है इट इज पेरेंटल फिनोमिना है ना और वो जो माता पिता है उसमें एक माता पिता का मेल होना आवश्यक है और दूसरे का क्या होना आवश्यक है फीमेल होना आवश्यक है सबसे पहली चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन माता पिता के द्वारा क्या बनते हैं गैमीट्स बनते हैं बिल्कुल बेसिक बता रहे हो मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया बेटा आई एम जस्ट कवरिंग द बेसिक्स क्या बनते हैं बेटा दोनों के द्वारा बेटा <laughs> मेरा गला अभी भी तुम समझ ही रहे हो देख रहे हो कभी भी ओह, ओह, ओह आ जाता है बट आई एम ट्राइंग मैं धीरे बोलती हूँ मेरे ख्याल से माइक लगा हुआ है यू नो मैं भूल जाती हूँ मुझे ऐसी आदत है मुझे ऐसा लगता है कि यार ये हजार बच्चा मेरे सामने बैठा है सम टाइम्स आई फील क्योंकि दिस गिवस मी सो मच पंप अप मुझे लगता है हजार बच्चा सामने बैठा है इनको लास्ट बच्चे तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए मुझे बहुत ऊंचा बोलना है बट माइक है कैमरा है हेडफोन्स हैं तुम्हारे पास वॉल्यूम बटन है तो मैं धीरे बोलती हूँ ताकि मेरी आवाज लंबे समय तक चले मेरे साथ ठीक है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला इवेंट क्या होता है गैमिटोजेनेसिस दोनों मेल और फीमेल पेरेंट अपने अपने गैमिट बनाते हैं गैमिटोजेनेसिस के बाद दोनों के गैमिट आपस में क्या करते हैं फर्टिलाइज करते हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन ठीक है जैसे ह्यूमन से अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलू स्पर्म और क्या करेंगे फर्टिलाइज करेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जायगॉट और जायॉट के बाद आपके कौन से इवेंट स्टार्ट होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होते हैं ठीक है जिसमें आ जाएगा क्लीवेज जिसमें आ जाएगा आपका एम्ब्रियोजेनेसिस जिसमें आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन

यहां जो हम चैप्टर का जो नाम है वो कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावर्स आपको किस डिविजन में मिलते हैं वो आपको मिलते हैं आखिरी वाला सबसे एडवांस्ड है ना सबसे ब्यूटीफुल सबसे बड़ा डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स तो इस चैप्टर में हम किन की बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स की बात करने वाले हैं एंड ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कौन से रिप्रोडक्शन शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं सो ऑल द द्लॉरिंग प्लांट लिख रही प्लांट क्या शो करते हैं बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं तो चैप्टर का नाम भी अपने ने क्या रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अभी फ्लावर को अगर हम देखें फूल तो कितना ब्यूटीफुल होता है मेरे पास ना फूल है नहीं वैसे <laughs> होना तो चाहिए था मुझे बेटा कोई फूल देता नहीं है है ना मेरे पास फूल है नहीं तुम्हें अगर किसी ने फूल तुम्हें बट इट एस्थेटिक वैल्यू ऑर्नामेंटल वैल्यू की यार अपने ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं इट हैज मॉर्फोलॉजिकल वैल्यू इट हैज यू नो पायस वैल्यू मंदिर में सेक्रेट जगह पे भी फूल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है तो यार यहां पर हम फूल पूरा तो नहीं देखेंगे वो मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में आपने फूल अच्छे से देखा हुआ है बट हम फूल के यानी कि फ्लावर के मेन मेन पार्ट के बारे में बात करेंगे अरे वाह यार बेटा चार्ट सेक्शन में फूल ही फूल हो जाए क्या कहते हो है ना फूल ही फूल हो जाए <coughs> है ना बेटा चार्ट सेक्शन के अंदर जरा फूलों की बाहर आ जाए क्योंकि यार फूल अपने बनाने वाले हैं तुम्हें फूल नहीं बनाऊंगी बेटा फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाऊंगी क्या बनाऊंगी फ्लार का स्ट्रक्चर वैसे तो आप मॉर्फोलॉजी में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर हम बेसिक फ्लार का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि एक फ्लार के पास टोटल चार तरीके के वॉल्स होते हैं क्या होते हैं वॉल्स वॉल्स यानी कि ऐसे गोल-गोल सा यू you नो know, एक वॉल उसके बाहर एक और उसके बाहर एक और ऐसे टोटल चार तरीके के वॉल्स हैं दो अपने काम के दो अपने इतने काम के नहीं है मतलब कुछ का डायरेक्ट रोल रिप्रोडक्शन में है, तो यार वो काम का हो जाएगा काम का यानी कि असेंशियल वल हो जाएगा कुछ का इनडायरेक्ट रोल है रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं है वो हो जाएगा नॉन असेंशियल वॉल अभी चारों वोल्स पौधे फ्लार के दे आर प्रेजेंट ऑन अ स्टॉक एंड दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज जिसपे प्रेजेंट होते हैं उसको अपने बोलेंगे थालमस तो सबसे पहले बेटा मैं ड्रॉ करने वाली हूं आपका थैलमस और रिसेप्टिकल सो so, दिस वन कलर दिख रहा है ये वाला रिसेप्टिकल ठीक है जी यस तो इसके साथ ही बेटा सबसे बाहर वाला हरे रंग का वॉल जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां सी होती है ना <laughs> फूल के बारे यार सबसे ब्यूटीफुल प्लांट रोज की बात कर लो ये देखो किसी ने टूटता हुआ रोज भेज दिया किसी ने सीधा किसी ने उल्टा ऐसे वाला रोज भेज दिया है कुछ कुछ पीले फ्लावर भेज भेज रहे है, कुछ पिंक भेज रहे हैं हैं पिंक सब मेरे लिए बेटा बगीचा बनाना पड़ेगा मुझे ठीक है अब बेटा इसी रिसेप्टिकल के ऊपर सबसे बाहर एक वॉल प्रेजेंट है जिसमें ग्रीन कलर के प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है दीज आर कॉल्ड एज स्टेम सेपल्स थोड़ा लाइट ग्रीन से बनाते हैं दिखाई देगा यस These are, बेटा जी, called as ये क्या है सेपल्स वो जो रोज वाले प्लांट में नीचे होता है ना उसको प्रोटेक्ट करने वाला दैट इज सेपल्स सेपल्स के बाद आता है बेटा सबसे ब्यूटीफुल था कौन से कलर का बनाऊ यार कौन से कलर का पिंक कलर का फ्लावर बना लेते हैं नेक्स्ट बेटा द ब्यूटीफुल द कलरफुल वर्ल्ड विच इज कॉल्ड एज पेटल्स ये क्या है बेटा सुंदर सुंदर पत्तियां इनको तुम क्या बोलोगे पेटल्स बोल दोगे क्या बोल दोगे बेटा इनको पेटल्स बोल दोगे ठीक है ये जो दोनों चीजें हैं पेटल्स प्लस सेपल्स ये अपने डायरेक्ट रोल में नहीं आती हैं सेपल्स का जो ग्रुप है उसको बोला जाता है बेटा केलिक्स इसको मैं बोल दूंगी केलिक्स इस वर्ल्ड को इस वर्ल्ड को क्या बोल देंगे केलिक्स एंड पेटल्स वाले वर्ल को क्या बोल दोगे कोरोला कोरोला गाड़ी भी आती है है एक गाड़ी का नाम है करोला अब यार दोनों मैंने बनाया इनका डायरेक्ट रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है तो कैसे हो सकता है नहीं हो सकता ना? आपके अपने पास आते हैं बेटा बीच वाले वर्ल्ड जिनका डायरेक्ट रोल है फर्स्ट वन इज द मेल पार्ट एंड देन वी विल स्टडी द फीमेल पार्ट तो सबसे पहले बेटा मेल पार्ट कर लेते हैं ये देखिए The male part, the male wall, it is called as एंड्रोशियम जैसे वो केलिक्स था वो करोला yes, androecium. This is the male part of the plant, which is also called as क्या इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो एंड्रोशियम के पास क्या प्रेजेंट होता है स्टेमन प्रेजेंट होता है सो so एंड्रोशियम के पास क्या प्रेजेंट होगा स्टेमन प्रेजेंट होगा ये काम क्या है क्योंकि ये फर्टाइल है देन बेटा अपना फीमेल पार्ट <laughs> फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज द गाइनोशियम ठीक है गाइनी गाइनी वर्ड फीमेल से रिलेटेड है ना समझ दिस इज कॉल्ड एज द गाइनोशियम बेटा सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो टेंशन ना को ढूंढ लेना मुझे एंड वहां पर मैं रोज शेयर कर देती हूँ दिस इज गोइंग टू बी द फीमेल पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे तुम कार्पल और पिस्टल इसको क्या बोल दोगे कार्पल और पिस्टल तो यार तुम्हें चार पार्ट्स पता चले चार पार्ट्स सेपल्स पेटल्स आपके स्टेमन और कार्पल अब यार ये पूरा वर्ल्ड बनाते हैं जो सेपल वाला है उसको बोला जाता है केलिक्स पेटल वाले को क्या बोलोगे करोला और जो मेल वाला पार्ट है एंड्रोशियम जो फीमेल वाला पार्ट है वो क्या है बेटा जी गाइनोशियम इनमें से दो स्टेराइल है और दो क्या है फर्टाइल है तो यार ये जो अपने पेटल्स है द पेटल्स दीज आर द स्टेराइल पार्ट ठीक है द सेपल्स आर ऑल्सो द स्टेराइल पार्ट ये लोग गैमिट नहीं बनाते हैं दे आर दे आर नॉट डायरेक्टली लेकिन ये जो दो पार्ट है ये कौन से पार्ट से बेटा? Fertile part. तो जो fertile part है वही अपने काम किया ना तो यहां पर एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किसमें टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में कितने वॉल्स हो गए बेटा फोर वॉल्स हो गए कितने हो गए फोर वॉल्स हो गए सारे के सारे वर्ल्ड किस पे प्रेजेंट है पे या फिर रिसेप्टिकल पे प्रेजेंट है अब ये चार वॉल्स में से दो वॉल्स ऐसे हैं जो कि क्या है स्टेराइल है और दो वॉल्स ऐसे हैं जो कि क्या है बेटा फर्टाइल है जो स्टेराइल वॉल है वो कौन कौन से हैं यस yes, स्टेराइल वॉल बेटा कौन कौन से जो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करेंगे दे आर द केलिक्स सेपल वाले एंड द कोरोला पेटल वाले ठीक है जी फर्टाइल वाले कौन से रहेंगे फर्टाइल वाले बेटा अपने पास रहेंगे मेल पार्ट दैट इज द एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द गाइनोशियम ठीक है जी तो यार जो स्टेराइल वाला पार्ट है एक तरीके से मैं उसको बोल सकती हूँ इट इज अ नॉन असेंशियल वर्ल्ड ये ज्यादा अपने डायरेक्ट रोल में नहीं आता तो इसको क्या बोल देंगे नॉन असेंशियल रिप्रोडक्शन में सिंस इसका डायरेक्ट रोल नहीं है और एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्योंकि भैया एंड्रोशियम मेल पार्ट है गाइनोशियम फीमेल पार्ट है इसका डायरेक्ट रोल है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है द असेंशियल वर्ल्ड और द असेंशियल पार्ट विद रिस्पेक्ट टू ऐसा नहीं है बेटा वेस्ट है निकाल के फेंक दो वेस्ट नहीं है बट डायरेक्ट रोल नहीं है क्योंकि यार ये आ, स्टेराइल है वो लोग और ये क्या है फर्टाइल है इसीलिए इसको बोल देंगे अपने असेंशियल वर्ल्ड क्लियर बच्चों यस yes? हाँ यहाँ पे गुरलीन कौर कह रही है एनी मन फ्रॉम पंजाब बेटा पंजाब वाला आके यहाँ पंजाबीत में क्या हाथ मिलाना है तुमने बता दो क्या क्या फर्क पड़ेगा क्या फर्क पड़ेगा कि कोई पंजाब से है कि नहीं है सब इंडिया से है यार तुम लोग ना स्टेटे बड़े डिवाइड करने लग जाते हो स्टेट्स बहुत डिवाइड करते हो है ना <laughs> तो शुरू करें बेटा आज के क्लास में अपने ने एंड्रोशियम से स्टार्ट करना है यानी कि स्टेमन से स्टार्ट करना है एंड्रोशियम में क्या प्रेजेंट बेटा स्टेमन तो स्टेमन से शुरू करें यस स्टेमन इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल क्या बोला जाता है इसको माइक्रोस्पोरोफिल देखो याद रखना है मेल के लिए हमेशा वर्ड आएगा फीमेल के लिए मेगा आएगा अब तुम कुछ भी समझोगे हाँ मैम ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ये तो वो है ऐसा ही है

तो स्टेमन क्या है स्टेमन का दूसरा नाम है बेटा माइक्रोस्पोरोफिल किसके ऊपर पधारा हुआ था बता दो फटाफट से ये मैंने बनाया था थैलमस या फिर रिसेप्टिकल ठीक है अब इस थैलमस के स्टेमन के ऊपर दो हिस्से हैं एक जा रही है डंडी इस डंडी का नाम है फिलामेंट यस इस डंडी का क्या नाम है फिलामेंट इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इस फिलामेंट के ऊपर असली काम का पार्ट प्रेजेंट है और ये काम का पार्ट कौन है अपना एंथर इसी आंथर के अंदर अपने ग्रेन बनते हैं लेकिन ये फिलामेंट भी बड़े काम की चीज है इस फिलामेंट के तुम देख रहे हो दो हिस्से हैं। हिस्सा नंबर वन ये जो मैं पिंक कलर से बना रही हूं ये पार्ट है और बेटा इसका ये पार्ट है इसको थोड़ा और ब्राइट करते दिस वन एंड दिस मार्ट तो यार फिलामेंट के दो एंड्स नीचे वाला एंड थैलेमस से जुड़ा हुआ है ऊपर वाला एंड फिलामेंट का किससे जुड़ा हुआ है बेटा एंथर से जुड़ा हुआ है अब यार जो एंड नीचे धरती के नजदीक है धरती के नजदीक है इस एंड को अपने क्या बोलते हैं प्रोक्सीमल एंड ऑफ द तो फिलामेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड और जो बेटा एंड दूर है धरती से उसको क्या बोलेंगे अपने डिस्टल भैया प्रॉक्सिमल होता है नजदीक डिस्टल होता है दूर जो चीज दूर है वो डिस्टल जो चीज नजदीक है वो प्रॉक्सिमल तो फिलामेंट का नीचे वाला एंड क्या कहलाएगा फिलामेंट का नीचे वाला एंड कहलाएगा प्रॉक्सिमल एंड बोल सकते हो नजदीक है ठीक है जी ऊपर वाला एंड फिलामेंट का क्या कहलाएगा दूर वाला दूर डी फॉर दूर डी फॉर डिस्टल तो ये दूर वाला एंड है तो क्वेश्चन आता है नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड एंडलोमस से जुड़ता है या फिर फिलामेंट का डिस्टल एंड थैलोमस से जुड़ता है तो तुम लोग क्या याद रखोगे फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड थैलोमस से नजदीक है ना नीचे धरती के पास है फिलामेंट का दूर वाला एंड डिस्टल दूर वाला एंड एंथर से जुड़ता है तो एंथर कौन से एंड से फिलामेंट से जुड़ा हुआ है तुम बोलोगे यार एंथर डिस्टल एंड से फिलामेंट से जुड़ा हुआ है इज दिस क्लियर क्या ये बात बेटा सबको समझ आई देखो चैट में अगर बात करनी है ना तो मेरे से किया करो आप उसे मत किया करो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन है तो फिलामेंट और एंथर फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट इज ज्वाइंट विद द थैलेमस एंड फिलामेंट का डिस्टल पार्ट इज ज्वाइंट विद द एंथर चलो जी अब यार अगर इस एंथर को मैं कट करके देखू मुझे इसका सेक्शन देखना है मैंने क्या देखा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो मुझे एंथर कैसा दिखाई दिया देख लें यस yes, देख लें ठीक है जी हाँ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अब मैं फिलामेंट छोड़ के फिलामेंट के बारे में जो कहानी तुमको याद रखनी थी वो मैंने तुम बता दी देखो मेरी क्लास का एक फंड है एक तो मैं तुम्हें तो नोट्स बनवाऊंगी यहां पर क्या कह के बनवाऊंगी मुझे कोई शर्म नहीं है बेटा मैं यहाँ पे टाइप करके नहीं लेके आऊंगी आई डोंट वॉन्ट इट टू मेक वेरी इजी फॉर यू ठीक है इजी क्लास एक कभी नहीं होगी जिसमें हा, हां यहाँ पर विजुअलाइजेशन चलेगी यहाँ पर लिखा लिखाया आ जाएगा मैम यहाँ टिक करती जाएंगी वो तो मेरे लिए बड़ा आसान है मैं दो दिन में पूरा चैप्टर कर दूं उस तरीके से बट आई विल नॉट मेक इट इजी फॉर मी एंड आई विल नॉट लेट इट बी easy फॉर यू एज वेल आपको भी बेटा मैं हाथ से लिखवाऊंगी जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ तुम भी लिखोगे अगर तुम करना चाहते हो तो किसी के लिए आसान नहीं है बेटा बारी बारी एक ही चीज को लिखना ना मेरे लिए आसान है ना तुम्हारे लिए आसान है बट यही लिखने की हैबिट तुमको बेटा बायो में 360 स्कोर करा सकती है जो बच्चा सोचता है ना बायो इज जस्ट रीडिंग 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 आफ्टर राइटिंग विद योर ओन हैंड्स तो अपने हाथ पैर जागरूक रखिए पेंसिल पेन pen को उठा के रखिए तभी बेटा बात बनेगी ये नोट्स मैं आपके लिए बना रही हूं नहीं तो मुझे बेटा इतनी ब्यूटिफिकेशन की जरूरत नहीं मुझे तो आता है मुझे क्या करना है इतना लिख लिख के <laughs> है ना मुझे तो आता है मैं एनसीआरटी खोल के बैठ जाती हूं अंडरलाइन कर देती हूँ बट आई रियली वॉन्ट इफ यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम मी इफ यू वॉन्ट टू स्टडी सच्ची में थ्री सिक्सटी वाला तो यार आपको हाथ से खुद से अपने हाथ से लिखना पड़ेगा ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे तो बड़ी सारी चीजें ड्रॉ करने वाली भी है ओके okay? बहुत सारी चीजें ड्रॉ करने वाली भी है ठीक है जो साथ साथ लिख पा रहे हैं वो साथ साथ लिखिए अगर मान लीजिए आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे तो मैं आपको टेलीग्राम पे तो शेयर कर ही देती हूँ पीडीएफ जो मिस हो जाए हो, वहां से कर लेना ठीक है ठीक है ओके बेटा तो मैंने क्या बना लिया बेटा सेक्शन ऑफ एंथर बना लिया दिस इज द सेक्शन ऑफ एंथर दिख रहा है यस इस सेक्शन में तुमको दिखाई देगा कि एक एंथर के दो लोब्स हैं मैंने सेंटर में से देखा कि मुझे क्या दिखाई पड़ा मुझे दिखाई पड़ा ये बनाया बेटा मैंने क्या बनाया मैंने आई हैव ड्रॉन दिस दिस वन एंथर बना रहे हैं बेटा फिलामेंट नहीं बना रहे एंथर का सेक्शन बनाया एंथर का जब मैंने सेक्शन बना के देखा तो भैया बीच में सेंटर में से डिवाइड किया तो मेरे पास कितने लोब्स दिखाई दिए आई I... कैन सी टू लोब्स ओवर कितने लोब्स दिखाई दिए बेटा दो लोब्स दिखाई दिए अब इन दो लोब्स के अंदर यहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसको अपने लोग बोलते हैं कलर थीका yes. so, था तो यार ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा थीका ठीक है जी सबसे पहले इस सेक्शन ऑफ एंथर में तुमको कितने सिरे दिख रहे हैं एंड कितने है इसके बताओ जैसे बेटा ये पैड है दिस इज आर राइटिंग पैड इस राइटिंग पैड के कितने सिरे है? कितने कोने एक दो तीन चार वैसे ही बेटा तुम्हारे पास ये एंथर बना हुआ है इसके कितने कोने दिखाई दे रहे हैं कितने सिरे दिखाई दे रहे हैं बेटा बड़ा सिंपल सा तुम्हारा स्ट्रक्चर लगेगा एक सिरा ये है एक सिरा ये है एक सिरा ये है और एक सिरा ये है हाउ मेनी सिरा आर देयर हाउ मेनी एंड आर देयर हाउ मेनी एजेस आर देयर यू कैन सी दट देर आर फोर एजेस इसके चार सिरे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर को इस एंथर को मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा कैन आई कॉल दिस एज टेट्रागोनल क्या बेटा मैं इसको टेट्रागोनल बोल सकती हूँ यस yes और नो no. क्यों बेटा क्योंकि इसके चार सिरे मुझे दिखाई दे रहे हैं टेट्रा यानी कि चार जैसे पॉलीगोनल नहीं होता uh, मैथ्स में ज्योमेट्री जब हम करते हैं तो उसमें जो गोनल है वो साइड्स को बोलते हैं तो इसके चार साइड्स दिखाई दे रहे हैं तो यार ये क्या है टेट्रागोनल दूसरी चीज बेटा क्या है जब हमने देखा इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को तो दो कंपार्टमेंट्स हैं एक राइट right साइड वाली और एक लेफ्ट साइड वाली ये दो कंपार्टमेंट्स की वजह से इस एंथर को बोला जाता है लोब्ड क्या बोला जाता है <laughs> क्या बोला जाता है बेटा लोब्ड बोला जाता है हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स कोई बच्चा चार नहीं बोलेगा चार साइडें हैं लेकिन कंपार्टमेंट्स कितने दिखाई दे रहे हैं तुमको दो ही दिखाई दे रहे हैं इज अ अ बाई लोब्ड नॉट टेट्रा लोब्ड स्ट्रक्चर इट इज अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है ये ट्रांसवर्स सेक्शन में देखना ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा तो भैया दो कंपार्टमेंट दो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं इट इज अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर अब एक लोब के पास ये एक लोब है बेटा जी ये एक लोब है एक लोब के पास कितना थीका है <coughs> एक लोब के पास कितना थीका है जरा बता दो मैंने इसको कॉपी करके अगले पेज पे भी ले जाती हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से दिखाई दे ओहो नो 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 बेटा बताओ एक लोब के पास कितना थीका है कॉपी एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज हाँ अब दिख रहा है <coughs> चलो अब दिखाई दे रहा होगा एक लोब के पास बेटा कितना थीका दिखाई दे रहा है इट्स अ टेट्रागोनल लोब एंड वन लोब इट्स अ डाई थी स्ट्रक्चर डाई थीकस स्ट्रक्चर क्योंकि एक लोब के पास बेटा दो थीक है कभी भी कभी भी कोई बच्चा गलती से भी इसको टेट्राथिकस नहीं बोलेगा क्योंकि हम लोग यहां बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वन लोब एक लोब के विद रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो बाईलोब्ड है हर लोब के पास दो थीका है इट इज अ डाई थीकस स्ट्रक्चर अब हर लोब के पास दो माइक्रोस्पोरेंजियम है बेटा ये मेन टिश्यू है जहां से अपने लोग पोलन ग्रेन बनाएंगे तो ये बेटा अपने पास क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम इसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम ठीक है माइक्रोस्पोरेंजियम तो टोटल कितने स्पोरेंजियम हो गए एक दो तीन चार माइक्रो यानी कि मेल की बात हो रही है, है ना मेल की बात हो रही है तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए Tetrasporangiate, <coughs> tetrasporangiate. So, what is the nature of an angiospermic anther? The nature is that. फर्स्ट इट्स के चार सिरे हैं ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ट्रांसफर सेक्शन में देखा तो मुझे दो ब्लॉक दिखाई दिए ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है एक लोब के अंदर दो थीका है तो ये डाई स्ट्रक्चर है टोटल में देखा जाए तो यार चार माइक्रोस्पोरेंजियम है तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है वाई बिकॉज फोर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या ये चार पॉइंट आपको याद हुए यस yes. क्या बेटा ये चार पॉइंट सबको याद हो गए अब क्या बायो में बिना एक्सेप्शन के बाद बन सकती है कैन कैन वी वी यू नो वर्क इन बायो विदाउट एक्सेप्शन एक्सेप्शन इसकी क्या है वो मैं डब्बे में डाल देती हूँ हरे डब्बे में डाल देते ताकि हरी झंडी तुम्हें अच्छे से दिखाई देती रहे हर वक्त हर वक्त हरी झंडी दिखाई देती रहनी चाहिए एक्सेप्शन है बेटा मालवेश फैमिली के मेंबर्स सो एक्सेप्ट उनमें ना सब आधा आधा है सब कुछ आधा आधा है सो एक्सेप्ट द मेंबर्स ऑफ द मालवेसी फैमिली ठीक है जिसमें अपने पास चाइना रोज आ जाएगा आपकी कॉटन के कपड़े आ जाएंगे कॉटन और भिंडी आ जाएगी लेडी फिंगर ठीक है इसमें अगर बात करें तो सब कुछ आधा है बाईलोब्ड का आधा क्या हो जाएगा यूनिलोब्ड है <laughs> क्या है यूनिलोब्ड है डाई का आधा क्या हो जाएगा मोनोथिकस प्रेजेंट है ठीक है तो सब कुछ बेटा तुम्हें तो हाफ करना है सब कुछ क्या करना है तुम्हें हाफ करना है तो सबसे पहली चीज बेटा यहां पर डेंथर है दूसरी चीज बेटा है है ये है। तो यार है तो स्पोरेंजियम भी चार की जगह दो कर दो ना दैट इज गोइंग टू बी टेट्रा की जगह स्पोरेंजिएट स्पोर ओके जी ओके जी तो भिंडी कॉटन और चाइना का रोज ये तीनों है मालवेश फैमिली के इसमें अंतर की क्वालिटी बिल्कुल आधी हो जाती है इसके टाइप बिल्कुल आधी हो जाता है तो एक्सेप्शन में तुम्हें याद रखने कि एक्चुअल वाले का हाफ करना है अपने टेट्रागोनल या फिर बाईलोब्ड की जगह यूनिलोब्ड डाइथिकस की जगह मोनोथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट की जगह आपका 22 स्पोरेंट क्या नेचर समझ आ गई एक तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन के नेचर में से आ जाएगा टेट्रागोनल, एंड क्लियर है बताओ सब बच्चे बता दो मुझे आई एम चेकिंग बेटा लो मार्क्स आएंगे अगर आप पढ़ाई ध्यान से नहीं करेंगे जब मैं पढ़ा रही हूं तो कुछ और कर रहे हैं जब मैं कुछ और कराती हूँ तो पढ़ रहे हैं है? बता दो फटाफट यार से, सेशन को लाइक करते जाओ बहुत सारा काम करना है आज और बहुत मजे वाले तरीके से सीखना है तुम मेरी क्लास में आओगे ना तुम्हें पढ़ाता तो बेटा हर कोई है बट क्लास के अंदर लर्न कोई कोई करवा के जाता है तो मेरी नेचर ऐसी है कि मैं तुम्हें क्लास में लर्न करवा के भेजूंगी जो भी है कम पढ़ाऊं ज्यादा पढ़ाऊं लेकिन जितना पढ़ाऊंगी बेटा क्लास के अंदर तुम एनसीआर को चाट के जाओगे तुम रिवाइज करोगे तुम्हें लगेगा मुझे तो सब आता है ये नेचर बेटा मेरे पढ़ाने की है ऐसे ही तुम्हें मेरे नोट्स दिखाई देंगे ऐसे ही मेरी हर क्लासेस दिखाई देगी अगर कोई बच्चा नया है मेरी पुरानी क्लासेस उसने कभी नहीं देखी है तो बेटा प्लीज जाइए आप लिंक ट्री पर लिंक ट्री सीप पाउजा डालो गूगल पे बड़ा फेमस हो चुका है आज मुझे मेरे प्लस वाले बच्चे बता रहे थे कि लिंक ट्री कहां, कहां तक पहुंच चुका है मेरा ठीक है तो लिंक ट्री सीप पाउजा डालिए मैंने वहां इलेवन ट्वेल्थ ट्रॉपर सबके लिए पूरा बैच बना रखा है आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पूरी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं यार पूरी पढ़ाई कर सकते हो तो कर डालो <laughs> है ना बच्चों कोई कमी नहीं रहनी चाहिए अब एंथर बना कैसे यार बैक टू एंथर एंथर बुरा मान जाएगा नहीं तो आंतर की फॉर्मेशन कैसे हुई यार कोई तो सेल होंगे जिन्होंने आपस में टिश्यू विशु बनाए इसके बाहर की लेयर्स बनाई देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ सेल्स दो सो सेल्स आर कॉल्ड एज़ आर्किसपोरियल सेल्स कुछ स्पेशल सेल्स हैं बेटा ठीक है स्पेशल सेल्स हैं इन स्पेशल सेल्स का नाम क्या है आर्किसपोरियल सेल्स आर्किसपोरियल सेल्स अब यार मान लीजिए सेल्स ऐसे हैं ठीक है इनमें ना हॉरिजॉन्टल डिविजन हुआ हॉरिजोंटल समझते ऐसे सबका फोकस रहना चाहिए जब इसमें बेटा ऐसे हॉरिजोंटल डिविजन हुआ तो ऊपर के सेल ने बाहर की लेयर बना ली अंदर के सेल ने अंदर वाली लेयर बना ली तो यहां पर दो लेर्स अपने पास बन गई क्या हुआ दो ले एक तो बनी बेटा आउटर लेयर बाहर की लेयर और एक क्या बनी बेटा इनर लेयर ठीक है जो बाहर की लेयर है यार उसको हमें पता है पेराइटल बोलते हैं अपने लोग जैसे लंग्स में भी देखा था हार्ट में भी देखा है पेराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा पेराइटल पेरिकार्डियम विसरल पेरिकार्डियम वैसे ही आउटर लेयर इज पेराइटल इनर लेयर वैसे तो विसरल बोल रहे हैं बट यहाँ पे विसरल में अपने पास जो टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू तो इसको बोलेंगे अपने स्पोरोजिनस लेयर क्या बोलेंगे इसको बेटा स्पोरोजिनस लेयर अभी पेराइटल वाले की पहले बात करते हैं बाहर वाली लेयर के बारे में बाहर वाली लेयर ऑब्वियसली वॉल बनाएगी एंथर की बेटा बाहर की वॉल बनाएगी ठीक है तो इसमें बड़ी सारी डिवीजन हुई ठीक है बहुत सारी डिवीजन हुई और इसने अल्टीमेटली क्या बना लिया बेटा एंथर का वॉल बना लिया अब यार इसकी दीवार नॉर्मल दीवार नहीं है अंबुजा सीमेंट की दीवार है ठीक है ये अंबुजा सीमेंट की जब दीवार बनती है बड़ी सारी लेयर्स लगती हैं इस पर एक लेयर सीमेंट की फिर दूसरी लेयर फिर ईंट आ जाएगी फिर सीमेंट आएगा फिर ईंट आ जाएगी फिर सीमेंट आ जाएगा ताकि अंदर किसी को नुकसान ना हो वैसे बेटा ये एंथर की वॉल अंबुजा सीमेंट से कम नहीं है इसके पास एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार लेयर्स हैं कितने चार लेयर्स है बेटा इसके पास एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार बाहर से अंदर की तरफ शुरू करते हैं सो द आउटर मोस्ट वन इज गोइंग टू बी एपिडर्मिस सबसे बाहर वाले का क्या नाम हो जाएगा एपिडर्मिस उससे अंदर आइए बेटा एंडोथीसियम देन आ जाएगी बेटा मिडल लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड टेपेटम टेपेटम तो बाहर की जो दीवार है वो सीमेंट जैसी है वो बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास फर्दर चार लेयर्स हैं हर लेयर का एक अपना फंक्शन है कुछ नरिशमेंट देती है कुछ आंतर के फटने में मदद करती है कुछ पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स कराती है अभी हम वन बाय वन इनके फंक्शन इनका नेचर ये सब स्टडी करने वाले बट आपको पता होना चाहिए ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड टू इन बताओ फ्रॉम आउटसाइड टू इन तो मतलब सबसे बाहर बेटा कौन सी होगी एपिडर्मिस फिर कौन सी होगी एंडोथीसियम फिर कौन सी होगी मिडल लेयर और आखिर में कौन सी होगी बेटा जी टैपिटम तो ई एम टी क्या है ई एम टी या ई स्क्वायर एम टी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इनसाइड टू आउटसाइड जाइए टैपिटम मिडल लेयर एंड देन एपिडर्मिस ठीक है जी तो ये तो ये बात बेटा बाहर के पेराइटल सेल्स की अंदर का स्पोरोजीनस टिश्यू क्या बनाएगा अल्टीमेटली यार मेल ग्यामिट बनाएगा मेल ग्यामिट होगा मेल गैमिटो फाइट में यानी कि पॉलन ग्रेन में ठीक है जी तो यार स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बने अल्टीमेटली बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू ने क्या बनाया एम ये हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल इसने बनाए माइक्रो माइक्रो यानी कि मेल के बारे में बात हो रही है छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोर्स से बनेंगे पॉलन ग्रेन्स और इस पॉलन ग्रेन के अंदर पॉलन ग्रेन इज मेल क्या मीटो फाइट इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रस्तुत होता है इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल ठीक है बच्चों समझ आया देखो होता पता क्या है तुम बोलोगे कि मैम ये काम कब हो रहा है कब यहाँ पर माइक्रोस्पेंजियम से जब पौधा अभी यंग है, जब पौधा अभी यंग है तो होगा अभी, अभी प्लांट, इस प्लांट है? तो इस क्या होगा धीरे प्लांट मेच्योर होगा फ्लावर मेच्योर होगा भैया में देख लो प्यूबर्टी आती है तभी गैमिट बनते हैं ऐसे तो नहीं बेटे बचपन में गैमिट बना के बैठे रहते हैं या टॉडलर की एज में बनाएंगे में बनाएंगे नहीं बनाते है ना जब अपने मेच्योर हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं तभी गैमिट फॉर्मेशन चालू होती है सेम बेटा इन फ्लावर्स में है कि जब तक प्लांट अभी यंग है फ्लावर यंग है तो माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा ठीक है चार माइक्रोस्पोरेंजियम तुम्हें दिखाई देंगे लेकिन जब मेच्योर हो जाएगा फ्लार यानी कि अब मैं रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हूं तब बेटा ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन के साथ बन जाएंगे जिनके अंदर पॉलन ग्रेन होगा ये लाइन किसकी है एनसीआरटी की तो इस पर फोकस करेंगे कि बेन प्लांट इज यंग अभी जवानी नहीं आई है प्लांट की अभी बहुत ही बचपन चल रहा है तो क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम है मतलब अभी मेच्योरिटी नहीं होगी बट अपॉन मेच्योरिटी यही माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बना देंगे ग्रेन, ग्रेन अब मैं जवान हो चुका हूं मेरे पास क्या मीट बन चुका है मुझे आके पॉलिनेट कर दो मुझे दूसरे प्लांट फीमेल के पास ले चलो ताकि मैं बेटा फर्टिलाइजेशन करा लू आवाज नहीं सही क्या अरे यार आवाज में क्या हो गया ओहो बाल आ रहे हैं एक बच्चे ने माइक पूरा बना के दे दिया माइक की इमोजी के साथ कह रहे माइक के ऊपर मैम बाल आ रहे हैं अब बता दो नाउ टेल मी नाउ मैं भी सुन लू ठीक तो है Now. बेटा अब तो ठीक आ रही है वो सच्चे में बाल आ गए थे

क्या क्या काम करते हैं देन विल टॉक अबाउट दिस सेल एंड उससे कै, कैसे मेल बनता है देखिए जो क्लासेस की ड्यूरेशन है ना वो थोड़ी सी लंबी रहेगी लंबी रहेगी यार क्योंकि बड़ा चैप्टर है आई डोंट वांट कि मैं कुछ छोड़ के जाऊं कि लेयर आज करा रही हूं टिश्यू कल करा रही हूं तो अपना बेटा उसी हिसाब से बैठना ठीक है बायो की क्लास है थोड़ी सी लंबी चलेगी बट उस हिसाब से बैठना क्योंकि काफी सामने स्ट्रक्चर करके जाना है <laughs> तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वॉल पहले बेटा मैं वॉल बनाऊंगी कैसा स्ट्रक्चर बनाया था बेटा मैंने ठीक है एंड द टेट्रागोनल ठीक है ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया ये इसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए ठीक है एंड सेंटर में बेटा इसको जोड़ने वाला क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या होता है ये मैंने ग्रीन कलर का क्या बनाया है कनेक्टिव टिश्यू दिस बेटा जी इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू अब बेटा इसके बाहर इस तरीके से ना लेयर्स प्रेजेंट है जैसे अंदर वाली सबसे अंदर क्या है टेपिटम देन अपने पास मिडल लेयर देन अपने पास क्या है एंडोथीसियम और सबसे बाहर अपने पास क्या प्रेजेंट है एपिडर्मिस तो यार ये चारों लेयर्स इस तरीके से पूरे पे प्रेजेंट होती हैं मैं पूरा नहीं बना रही हूँ बट यस आई विल ड्रॉ दिस फोर लेयर्स ओवर हेयर मैं इन चारों को बेटा इधर करके बना रही हूँ ठीक है ये आपकी सारी वॉल्स बनाती हैं लेटेस्ट डिस्कस सबसे बाहर वाली वॉल कौन सी है वन इज गोइंग टू बी एपिडर्मिस समझना आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस देन इनर टू एपिडर्मिस यू हैव गॉट एंडोथीसियम थीसियम ई वाले कट्ठे हैं एंडोथीसियम देन उस कौन से कलर से बनाना था ग्रीन ठीक है इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ ठीक है यस एंडोथिसियम एंडोथिसियम के अंदर आ जाओ बेटे येलो कलर से जो तो मैंने बनाई है दिस इज कॉल्ड एज मिडल लेयर यस इसके अंदर आएंगे ये क्या है बेटा मिडल लेयर है मल्टी लेयर होती है बेटा काफी सारी लेयर्स होती है इसमें और मिडल लेयर के अंदर जो तुम्हें दिखाई दे रही है बाई न्यूक्लिएटेड लेयर दिस वन This is called as the tape term. Tape term. So outer to inner, outer to to inner inner बाहर से अंदर अगर तुम जाओगे e -E m t kya क्या है बेटा e, e M T फिर से कोई नहीं आ रही मुझे लग रहा है, मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ यार लेटेस्ट ट्राई आप मुझे बताना यार हाथ में पकड़ लिया मैंने सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे हाँ जी बताइए अब ठीक है यस yes. चलिए तो एपिडर्मिस बेटा सबसे पहली बात इट इज द आउटर मोस्ट लेयर लिखते जाना बेटा साथ साथ सबसे बाहर है तो जो यार जो लेयर सबसे बाहर होती है दैट इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव वन है ना इसका काम क्या होगा बेटा प्रोटेक्ट करना है ना इसका काम क्या होगा बेटा प्रोटेक्ट करना एक सिंगल लेयर है मल्टी लेयर्ड नहीं है बेटा बिल्कुल सिंगल लेयड है इस तरीके से है ना एक से ज्यादा लेयर नहीं है तो इट इज अ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर सिंगल लेयर्ड भैया ये स्पोरोफाइट का पार्ट है यानी कि इसका जो प्लॉयी लेवल है अभी म्योसिस नहीं हुई है म्योसिस नहीं हुई है तो इसका प्लॉयडी लेवल क्या हो जाएगा बेटा

सूख जाती है मेच्योरिटी पे और सूखने के बाद बेटा वो फटता है और सारा का सारा पोलन ग्रेन बाहर डिस्पर्स कर देता है ये बात हो गई आपकी एपिडर्मिस की जो कि सबसे बाहर वाली लेयर है जो कि बेटा सबसे बाहर वाली आपकी लेयर है क्लियर हो गया एपिडर्मिस के बारे में एनसीआरटी ने ज्यादा बात नहीं की है वो तो दो लाइनों में फंक्शन को डन कर देती है बट फिर भी बेटा जो भी एक्स्ट्रा बन पाता है मैं आपको करवा रही हूँ नेक्स्ट आता है बेटा एंडोथीसियम एंडोथीसियम में भी कोई मियॉसिस नहीं हुई है तो यार ये भी लेयर एक तरीके से स्पोरोफाइट का पार्ट हो गई है तो ये भी लेयर क्या है बेटा लेयर है है अंदर वाली है ना आ जाओ बेटा एंडोथीसियम ये जो हरे रंग से बनाई थी ठीक है अब इस एंडोथीसियम के बारे में देखें तो ये भी बिल्कुल सिंगल लेयर्ड है ये भी बेटा एपिडर्मिस के साथ जैसी ही सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसके पास बेटा क्या खास बात है बेटा इसके पास ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं पानी को खूब भर लेगा जैसे आपने नमक देखा है नमक को अगर तुम खुले में रख दो एयर टाइट में ना रखो तो नमक इज हाइग्रोस्कोपिक इट कैन एब्सॉर्व वाटर सेम वे द नेचर ऑफ दिस इज एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक इस नेचर को क्या बोलते हैं बेटा जी हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं क्यों क्योंकि इसके पास अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर्स वाले बैंड हैं इसके पास है अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स ठीक है हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है इट विल एब्जॉर्ब पानी एब्जॉर्ब मॉइस्चर अगर ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा तो मोटा हो जाएगा है ना फूल जाएगा और जब सूखने का समय है तो ये फट जाएगा ठीक है अगेन इट विल हेल्प इन सुकुड़ जाएंगे एंड देन फट जाएंगे दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द डेहिसेंस दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द डेहिसेंस जो करा रही हूँ वो नहीं करना अब प्लांट किंगडम नहीं चल रहा है तो प्लांट किंगडम करा दो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में चल रहा है तो जेनेटिक्स करा दो जेनेटिक्स चल रहा है तो इकोलॉजी करा दो इकोलॉजी चल रहा है तो प्लांट वो फिजियोलॉजी करा दो तुम लोग एक भी चीज पे टिकते हो नहीं टिकते हो बता दो यार एंडोथीसियम की मदद से जब आपका ये फट जाएगा तो सारे पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स ठीक है अलग अलग जगह पे पोलन ग्रेन्स फैल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पहली दो लेयर्स क्लियर है दैट इज एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम क्या क्या बताया बेटा फटाफट से रिवाइज करते हैं सिंगल लेयर सिंगल लेलर टू एन टू एन एपिडर्मिस जो है बेटा वो सबसे बाहर है प्रोटेक्टिव भी है और एंडोथीसियम की बात करें तो बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक है पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाती है और फिर फटने में और पोलन ग्रेन के डिस्पर्सल यानी कि उसको फैलाने में मदद करता है अब इससे अंदर वाली लेयर कौन सी रहेगी बेटा आपकी मिडल लेयर बड़ी अच्छी है बड़ी खास बात है इसके बारे में एक वर्ड

इट इज बेटा जी एफी मेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड शॉर्ट लिव्ड होता है कि जैसे ही बनेगी वैसे इसने टूटने का इंतजाम कर लेना है जैसे ही बनेगी वैसे ही इसने टूट जाना है लेकिन जब ये टूटेगी बिना तो अपना काम करके जाएगी दैट इज टू प्रोवाइड द नरिशमेंट इसका फंक्शन क्या है बेटा ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है

जिसका नाम है टेपिटम सबसे खास बात ये अंदर वाली है घर वाली बाहर वाली अंदर वाली बाहर वाली है ना बच्चों इट इज द इनर मोस्ट लेयर ठीक है इसके सेल्स के पास बड़ा ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है बेटा इसकी खास बात क्या है <laughs> सबसे पहले इट इज अ बाई न्यूक्लिएटेड लेयर असली में बेटा कुछ सेल्स जिसके मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं बट एनसीआर हमारे बाइलिएटेड कहती है तो हम मान जाते हैं अच्छा जरा सोच के बताओ बाई न्यूक्लिएटेड एक सेल कैसे हो जाता है अभी हमने परसों ही सेल डिविजन खत्म करके छोड़ा है हाउ द सेल बिकम्स बाई न्यूक्लिएटेड कैसे रह गया डिवीजन के टाइम पे कुछ तो हुआ होगा बेटा सेल बाय न्यूक्लिएटेड तब होता है जब आपका केरियोकाइनसिस तो हो गई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई यानी कि एक पेरेंट सेल था जिसके पास एक न्यूक्लियस था डिवीजन के वक्त इसने अपने दो न्यूक्लियस बना लिए अब बेटा इसको सेल को डिवाइड करना था लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई व्हाई दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी पूछती है कि बाय न्यूक्लिएटेड कोई सेल कैसे बन जाता होगा तुम बोलोगे इफ द केरियोकाइनेसिस द इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस देन बेटा वो सेल बाय न्यूक्लिएटेड बन जाता होगा दूसरा बेटा ये 2n नहीं है दिस इज नॉट 2n दिस इज पॉलीप्लॉइड पॉलीप्लॉइड यानी कि ये अपना 3n भी हो सकता है 4n भी हो सकता है 5n भी हो सकता है क्यों हुआ पॉलीप्लॉयडी बिकॉज़ ऑफ एंडो पॉलीप्लॉयडी कि जो अपना सेल है ना वो मेटाफेज पे जाके अरेस्ट हो गया अरेस्ट हो गया तो बेटा क्रोमोजोम का नंबर डबल ही होगा उसमें ठीक है जी तो टेपिटम के बारे में ये खास बातें हैं जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द अदर थ्री लेयर्स अब टेपिटम काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट करता है सबसे अंदर है तो यार नरिशमेंट तो देगा प्रोटेक्शन तो नहीं दे सकता ना फटने में तो इतना मदद नहीं करेगा प्रोटेक्शन तो बाहर वाली लेयर्स देती है फटने में बाहर वाली लेयर्स मदद करती है लेकिन टेपिटम बेसिकली प्रोवाइड्स बींग द इनर मोस्ट इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट तो शुरू करें बेटा इसके फंक्शंस हां जी बताओ एवरी वन इज विद टिल नाउ बनाया क्या था क्लाउड बनाया था क्या बन गया हाँ जी फंक्शन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर मेजर मोस्ट फंक्शन है दिस इज कॉल्ड एज नरिशमेंट ठीक है यस yes. हां कर लो यार कह रहे अरहम हम कह रहे मैं मैं नाइन्थ में हूँ तो कर लूँ कर लो तुम्हारी मर्जी है बिल्कुल कर लो दूसरा बेटा फंक्शन जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे इट फॉर्म्स द पोलन गेट पोलन किट पता क्या होता है यार जो पोलन ग्रेन है ना पोलन ग्रेन के बाहर एक येलो सा स्टिकी सा सब्सटेंस बना देते पता क्यों और स्पेशली उन फ्लावर्स में जिन्होंने इंसेक्ट से पॉलिनेट होना होता है कि इंसेक्ट आएगा इस पौधे को पॉलिनेट करेगा ठीक है तो पॉलन ग्रेन के ना बड़ा स्टिकी सा येलो कलर का सबस्ट बनाएंगे इंसेक्ट आकर्षित होकर आते हैं कि अरे पेटल्स मैं बैठू और नेक्टर पी हूं इस पे ही बैठेगा बेटा इंसेक्ट वो जो पॉलन किट बनी हुई है ना वो स्टिक्की है वो इंसेक्ट के पैरों से जाकर या विंग्स से जाकर चिपक जाएगी इंसेक्ट बेटा पॉलिनेशन के लिए नहीं आया था बट बाई चांस उसके साथ ये चिपक के अगले प्लांट के पास चले जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी देखो फ्लावर बड़ा चालू चीज है खुद नहीं जा सकता खुद अपने पोलन ग्रेन से नहीं पहुंचा सकता तो इसने तरीके निकाल लिए कि तू इंसेक्ट तू आएगा तेरे साथ मैं अपना स्टिकी वाला पॉलन किट चिपका दूंगा और तू इस किट को लेके अगले पौधे के पास जाएगा और वहां जाकर अपना फीमेल पार्ट के साथ पॉलिनेशन कराएगा सो इट फॉर्म्स द पॉलन किट पॉलन किट क्या है एक एडिशनल सी कवरी है येलो स्टिकी चिपकी चिपचिपाहट वाली ठीक है लेयर अबव एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन ये कौन से पौधों में बनती है बेटा ये सिर्फ उन्हीं फ्लावर्स में बनता है जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होनी है अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा नहीं होनी है तो बनाने का को कोई मतलब नहीं है सो दिस गेट्स फॉर्मड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स इंसेक्ट पॉलीनेटेड क्योंकि उन्हीं के साथ तो चिपकाना हवा के साथ थोड़ा चिपकाएंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लॉर्स ठीक है जी तो ये समझ आ गया सबको तो पहला फंक्शन नरिशमेंट नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेट अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा ये बनाता है सबसे हार्डेस्ट स्टॉन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल टेपिटर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथिस ऑफ स्पोरोपोलिन स्पोरोपोलिनन इट इज अरोटेनॉड डेरिवेटिव मतलब कैरोटिनॉइड क्या होता है लिपडी होते हैं <laughs> है ना कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव बनाता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनन बेटा स्पोरोपोलिनन सबसे हार्डेस्ट सबसे रेजिस्टेंट इसको कोई एसिड बेस टेम्परेचर प्रेशर किसी से फर्क नहीं पड़ता तो इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट एंड द हॉडेस्ट सब्सटांस हार्डेस्ट सब्सटांस किसने बनाया टेपिटम ने बनाया किससे रेजिस्टेंट बेटा प्रोवाइड करता है इसको एसिड से कोई फर्क नहीं है इसको एल्कली यानी कि बेस से कोई फ़र्क नहीं है इसको हाई टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं है इसको किसी भी एंजाइम से कोई फर्क नहीं है और यही स्पोरोपोलिन फॉर्म्स द एग्जाइन ऑफ द पोलिनग्रेन फॉर्म्स द

है ना आज इतना पावन अवसर है पावन अवसर पे काफी पावन शब्द बेटा निकल रहे हैं आपसे इससे पता चलता है बेटा आप कहाँ से आए हैं है ना बेटा द वे यू स्पीक द वे यू टॉक द वे यू थिंक टेल्स अलॉट अबाउट योर बैकग्राउंड कुछ लोग कहते हैं ना मैं माइंड रीड करता हूँ या मैं देख के पर्सनैलिटी बना बता देता हूँ आप मेरे से पांच मिनट बात करो मैं तुम्हारा फेस रीड करके तुम्हारे बारे में बता दूंगा तुम इस टाइप के हो तुम ऐसे रहते हो तुम्हारे परिवार में ऐसा है क्योंकि बेटा जैसे आप बोलते हैं ना जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या जैसे आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते, करते हैं कम्युनिकेट करते हैं बातचीत करते हैं वो बेटा बहुत चीजें बताता है आपके बैकग्राउंड के बारे में बैकग्राउंड इंक्लूड योर फैमिली योर पेरेंट्स एंड द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट यू सी जो चीजें आप देखते हैं वो सब बेटा आपके मुंह से मुख से जो शब्द निकलते हैं ना उससे पता चल जाता है तो बेटा आपने जो आपने शब्द निकाले हैं शब्द निकाले हैं उससे पता चल गया आप कहाँ से आई हैं पुष्पावटी ये नाम भी नहीं है तुम्हारा मुझे पता है तुम्हारा नाम कुछ और होगा ये बेटा ऑनलाइन एक नई सी फील्ड बन गई है ऑनलाइन में बच्चा ना ऑफलाइन में यही बच्चा बैठा हो ना उसकी चूं तक ना निकले इतना सब यहाँ पे काम हो रहा हो ऑनलाइन में तुम किसी का मुखौटा पहन के मास्क पहन के यहां पर किसी के नाम पर वो शब्द बोलते हो जो अंदर तुम्हारे गंदगी भरी हुई है ठीक है तो बेटा जब आप ये टाइप कर रहे होते हैं ना तो सोचो यार क्या मैं इतना गंद से भरा हुआ एम आई फिल्ड विद सच थिंग्स बी एस टाइप थिंग्स से मतलब आई एम फिल्ड राइट तो थोड़ा सा सोचा करो यार जो भी तुम्हारा नाम है जो भी तुम करते हो जो भी तुम करना चाहते हो ये चीज दर्शाता है बेटा, कही ना कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे समझ सकते हैं मैं लिखूंगी इंग्लिश में ही बट आप हिंदी की एनसीईआरटी लेकर साथ साथ चीजें कर सकते हैं ओके जी तो सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिनिन हो गई कुछ बेटा एंजाइम बनाएगा टेपेटम जिन एंजाइम को बेटा मैं यूज करूंगी बाद में ये पॉलिन डी ग्रुप बनी तो ये सेल्यूलेस काम आएगा मैं बताऊंगी पैक्टिनेस एंड कैलेज ठीक है कैलोज एक शुगर है उस शुगर को डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कैलेज चाहिए होता है ये बेटा आगे वाले जो चीजें आएंगी पॉलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन आएगी उसमें सब मैं यूज करूंगी तो तब मत कहना कि मैम कहाँ से बनाइए कौन लेके आया है? इन ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आई ए एंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में भी मदद करता है अब यार कैसे पता चलेगा कि मूली का ग्रेन मूली के कार्पल के ऊपर ही जाए हो सकता है यार मूली का पॉलन गोभी के ऊपर चला जाए गोभी का पॉलन ग्रेन आलू के ऊपर चला जाए आलू का पॉलन ग्रेन भिंडी के ऊपर चला जाए हु विल ensure द compatibility कि मुझे किसके साथ pollinate होना है गिरते तो बहतों के ऊपर होते होंगे यार मूली का पॉलन करें ना आलू गोभी प्याज सबके ऊपर गिरता है लेकिन पॉलीनेशन थोड़ा हो जाती है द कम्पैटिबिलिटी कि मुझे इसके साथ पॉलीनेशन करनी है मुझे यहाँ पर आकर पॉलन ट्यूब बनानी है मैं मूली वाला हूँ मुझे गोभी के ऊपर नहीं बनाना मुझे आलू के ऊपर नहीं बनाना वो कैसे पता चलेगा वो पता चलेगा बेटा कंपैटिबिलिटी प्रोटीन और ये जो कम्पैटिबिलिटी प्रोटीन है ये टैपेटम ही बनाता है स्वेट so फॉर्म्स ओहो फिर से क्या हो गया जब भी मैं अच्छी बात बोलती हूँ आवाज को हो जाता है <laughs> जब भी मैं अच्छी बात बोलती हूँ हाँ इट फॉर्म्स द कंपैटिबिलिटी प्रोटीन विच हेल्प्स इन पॉलन पिस्टल इंटरक्शन ये भी आगे जाके आएगा ओके okay, जी हाँ जी तो एनसीआर टी यहाँ तक क्या कहती है एक बारी देख लें एनसीआर टी देख लें मैंने आपको लेयर्स करा दिए क्या करा दिए बेटा लेयर्स करा दिए बेटा आवाज ठीक है, है मेरे को ठीक बेटा मैंने देख लिया है सही है यहाँ तक ठीक है मामला तुम लोग ऐसी मत बोलो तो हमारा बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप है बेटा फूलों के साथ फ्लावर्स के साथ एस्थेटिक है है ऑर्नामेंटल रिलीजियस वैल्यू है है इनकी ठीक लिस्ट एटलीस्ट फाइव फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू बड़े सारे पौधे बेटा एक नहीं है तुम पचासो लिस्ट कर सकते हो ये बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर है अभी आज का सेशन समाप्त नहीं हुआ है एक एक पोर्शन हुआ एंथर की वॉल और इट इज सो स्कैरी अचानक से ड्रिल चली सो स्केरी ठीक तो आ रही है सही तो है यार विजय कुमार सही बता रहे हैं तो ये बेटा हमने कर लिया देन हमने क्या किया देन वी हैड अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले मेल और फीमेल के बारे में पढ़ना जरूर है देन मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट द डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर

अब बेटा सबसे अंदर वाली वॉल ये रही टेपिटम टेपिटम के बड़े सारे फंक्शन है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन इट द पोलन ग्रेन तो बाहर की तीन वॉल प्रोटेक्शन प्लस एंथर का फटना डेहेंस एंड अंदर की लेयर पोलन ग्रेन को नरिश करेगी सेल्स ऑफ द टेपिटम डेंस साइटोप्लाजम एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस ठीक है मोर देन वन होता है जनरली मल्टी होता है बट क्वेश्चन में कई बार बाई न्यूक्टेड भी सही माना जाता है ठीक है <laughs> अब ये क्वेश्चन का आंसर आंसर बेटा मैंने आपको बताया हाउ द टेपिटल सेल्स बिकम इज कि यार जब उनकी सेल डिविजन हो रही थी तो केरियो के बाद साइटोकैनिस करना था उन्होंने साइटोकैनिस किया ही नहीं है ना साइटोकैनसिस किया ही नहीं यस सो वेन द एंथर इज यंग द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्लियर सेल्स इज कॉल्ड एज फोरोजीनस टिश्यू ज द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरेंजियम तो अब बेटा इस टिश्यू के बारे में बात करेंगे आर यू रेडी बेटा पोर्शन टिश्यू यस अभी बेटा मैं आधा घंटा और क्लास लूंगी तो डू नॉट वरी कहीं जाना नहीं है ठीक <laughs> है स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में बात अभी शुरुआत हुई है सुनाई दे रहा है अच्छे से हां जी फटाफट से सेशन को भी लाइक कर दो जो बच्चे नए आए देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम आपको याद है यार ये ऐसे एंथर था ये बीच में माइक्रोस्पोरेंजियम था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भर भर के क्या घुसा हुआ है स्पोरोजीनस टिश्यू घुसा हुआ है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है ये स्पोरोजीनस टिश्यू याद रखेंगे ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स हैं कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाते हैं एम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या बनाते हैं बेटा एम एम सी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्लॉयडी लेवल क्या है बेटा अभी कोई मियोसिस हुई नहीं है तो टू एन ही चल रहा है कितना है 2N है फिर बेटा M -M -C के अंदर सेल डिविजन हुआ एंड द सेल डिविजन इज मियोसिस हमने लास्ट क्लास में मियोसिस किया है मियोसिस इज अ टाइप ऑफ रिडक्शनल डिविजन जब एम एम सी के अंदर मियोसिस होगी तो क्या बन जाएंगे माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने माइक्रोस्पोर इसका प्लॉइडी लेवल बेटा मियोसिस के बाद रिडक्शन हो जाएगा दैट इज एन और दीज माइक्रोस्पोर्स अल्टीमेटली फॉर्म पॉलन ग्रेन विच इज द मेल गैमीट ऑफ फाइट और ये पॉलन ग्रेन के अंदर प्रस्तुत होंगे मेल गैमीट यस मेल गैमीट तो मेच्योरिटी में एंथर फटेगा फटने के बाद उसमें से पॉलन ग्रेन निकलेंगे एंड डिस्पर्स हो जाएंगे एंड <coughs> डिस्पर्स हो जाएंगे ठीक है बेटा बिना पहले बनाने से पहले भेज दो रोली देवी रोली देवी कह रहे है, मैं नोट कर दो। बेटा अभी तो मैंने चैप्टर पूरा लिखा, लिखा ही नहीं है पूरा पहले भेज दू आधे भेज देती हूँ ठीक है रोली तुम आधे पढ़ लेना जो सिर्फ नोट्स के लिए आ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि अकेले नोट्स से तो देखो बात नहीं बनेगी नोट से खुद से लिखना भी पड़ता है है ना खुद से लिखना भी पड़ता है तो अब बेटा देख लें किस तरीके से माइक्रोस्पोर बनते हैं टू एन से एन कैसे हुआ और इस एन से पॉलन ग्रेन कैसे बने यस शुड वी डू इट चलिए बेटा मैं ये लगा रही यस बेटा यू हैव टू वॉच जो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले समर्थ की वीडियो डाली है वो आपको देखनी है अब बताना है यार वॉइस ठीक है मैं देख लेती हूँ तो है। ठीक है, चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है के अंदर। याद रखिए माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है स्पोरोजीनस टिश्यू इस टिश्यू से अल्टीमेटली मेोसिस करके माइक्रोस्पोर बनते हैं क्योंकि इसके कुछ के सेल डिफ्रेंशिएट होके क्या बना लेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल तो ये क्या है बेटा एम एम सी जो कि टू एन है दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल फोकस करेंगे बेटा मैं कैसे डिवीजन कराऊंगी सबसे पहले ये क्या करेगा मियोसिस वन करेगा मियोसिस वन मियोसिस वन के बाद कितने सेल बनते हैं बच्चों बताएंगे मियोसिस वन के बाद अल्टीमेटली दो सेल बन जाते हैं और मियोसिस वन के बाद ही आपका प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है क्योंकि मियोसिस वन क्या है आपका रिडक्शनल डिविजन है तो यार इसका लेवल ईच सेल का क्या है एन इसका भी क्या है एन ठीक है फोकस करिए कि मियोसिस होने के बाद भी दोनों सेल आपस में चिपके हुए हैं देख रहे हो कैलोस से ये सेल कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट है जो इनको ऐसे चिपका के रखा है अभी मियोसिस वन ही हुई है चिपके हुए हैं अब बेटा इन दोनों सेल्स में क्या होगी मियोसिस टू मियोसिस टू होगी एक सेल से कितने बन जाएंगे चार सेल बन जाएंगे पहले केरियोग होगी फिर क्या होगी आपकी साइटोकाइनेसिस तो अल्टीमेटली आपके पास एक सेल से चार एन वाले सेल बन जाएंगे एक एम एम सी से आपने क्या बना लिए बेटा चार माइक्रोस्पोर्स बना लिए ये क्या है बेटा फोर माइक्रोस्पोर्स है अल्टीमेटली ये भी जुड़े हुए हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस सो दे आर ज्वाइंट विद अ कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है कैलोस ठीक है यस अब इस तरीके से जो डिवीजन है जनरली वो मोनोकॉट में होती है ठीक है मोनोकॉट में होती है अगर मैं डायकॉट की बात करूं तो उसमें दो बार ही होती है और साइटोकाइनेसिस एक बार ही होती है बट इतना डिटेल तुमको जाने की जरूरत नहीं है एक तरी, एक लाइन में याद रख लो कि एक एमएमसी ने क्या किया डिवीजन की मियोसिस की और इसने चार माइक्रोस्पोर यहां पर बना दिए क्या बना दिए बेटा चार माइक्रोस्पोर अब एक माइक्रोस्कोप देख रहे हो चार माइक्रोस्कोप बेटा आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को एक नाम दे सकती हूँ टेट्राड कैन आई कॉल दिस एज टेट्राड बताना कैन आई बेटा कॉल दिस स्ट्रक्चर क्या हम इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे सकते हैं टेट्राड दे सकते हैं क्योंकि बेटा इसके अंदर चार माइक्रोस्पोर जुड़े हुए हैं बेटा टेट्राड दो शेप्स में एग्जिस्ट करता है या तो ऐसी नॉर्मल शेप जो मैंने बताई है आइसोबाइलेट्रल शेप ठीक है आइसोबायलेटरल टेट्राड या फिर टेट्राहेड्रल भी हो सकता है ऐसा ऐसा और एक उसके पीछे एक उसके पीछे ऐसा वाले को बोलते हैं बेटा आइसोबायलेटरल इस वाले को क्या बोलते हैं बेटा टेट्रा हाइड्रल दोनों टेट्राड है ये किस में एग्जिस्ट करता है बेटा मोनोकोट में मोनोकोट में से चार लाइन में लगे होते हैं दो ऊपर दो नीचे और डाइकोट में देखा जाए तो तीन आगे और एक क्या हो जाएगा आपका पीछे हो जाएगा अब यार ये जो माइक्रोस्पोर बना माइक्रोस्पोर ये जी है ना चारों, ये आगे क्या बनाते है तोड़ो क्या लोस से चिपके हुए कैसे चिपके हुए बेटा क्या लोस से चिपके हुए तो सबसे पहले बेटा ट्रीटमेंट आएगा किसका का. किसका ट्रीटमेंट आएगा क्या कैलेज किसने बनाया था जरा बताएंगे क्या लेंस किसने बनाया था मैंने आज ही सिखाया यस <laughs> yes, बेटा आज बताया मैंने ये अलग अलग हो गए बेटा चारों माइक्रोस्फोर किसने बनाया यस yes. बताओ एप्सोल्यूटली कैलेज किसने बनाया है टैपिटम ने बनाया है तो टैपिटम के द्वारा यानी कि के द्वारा रिलीज होता है कैलेज ये जो कैलेज है इन चारों को माइक्रोस्पोर्स को अलग कर दिए दे, कर देगा लेकिन ये अलग पता कब होंगे जब मेच्योरिटी आएगी ऐसे नहीं बचपन में ये अलग हो जाएंगे तो कैलेज का रिलीज कब होगा एट द टाइम वेन एंथर वेल रीच द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी मेच्योरिटी के वक्त ही पोलन ग्रेन बनाना शुरू करेंगे यार नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे चिपक के कोई दिक्कत नहीं चिपक्के बैठे हैं जब मेच्योर होगा यानी कि अब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है अब वो पॉलन ग्रेन बनाने के लिए तैयार है तभी बेटा टेपिटम क्या रिलीज करेगी कैलेज को रिलीज करेगी एंड ये जो कैलेज है इन चारों को क्या करेगा अलग कर देगा मान लो इसने अलग कर दिया मान लेते हैं बेटा क्या मान लेते हैं इसने अलग कर दिया चलो जी अब एक माइक्रोस्पोर को मैं आगे लेके चलूंगी लेटेस्ट एक वन माइक्रोस्पोर यहां तक समझ आया चलिए अब बेटा एक माइक्रोस्पोर को आगे लेके चलते हैं ऐसा सबके साथ होगा एक माइक्रोस्कोप स्पोर ले लिया ये देखिए कैसा है, एन है? है ना बच्चों कैसा है ये माइक्रोस्पोर ये माइक्रोस्पोर है बेटा एन <coughs> अगर तुमने नहीं समझा बेटा रोते रह जाओगे मैं बता रही हूं तुमको तुम रोते रह जाओगे माइक्रोस्पोर के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा यस yes. इस माइक्रोस्पोर के अंदर मान लीजिए ये माइक्रोस्पोर है इसके अंदर बेटा एक बहुत बड़ा वैक्यूल बनता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस नीचे आ जाता है तुम देखो इवेंट्स क्या हो रहे हैं दिस इवेंट इज कॉल्ड एज वैक्यूलेशन वैक्यूलेशन सिंपल वैक्यूल बन गया न्यूक्लियस इज पुश टू पेरीफ्री न्यूक्लियस बेटा नीचे धक्का मार दिया अब इस स्टेप के बाद इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनने स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर और पता है कैसे एसेमेट्रिक ठीक है तो ये अपना सेल था कौन सा माइक्रोस्पोर वाला सेल था ये देखिए ये बड़ा सा बेटा इसमें वैक्यूल है यहां पर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अराउंड क्या बनने स्टार्ट हो गए स्पिंडल फाइबर और एसेमेट्रिक स्पिंडल फाइबर हुए इसके बाद बेटा इसमें हुई माइटोसिस भैया ए सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर थे तो ए सिमेट्रिक माइटोसिस हुई इक्वल माइटोसिस हुई बेटा क्या हुआ इक्वल माइटोसिस तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ऐसा सेल बन गया ध्यान दो <laughs> माइटोसिस हुई तो दो जगह इसने डिवीजन किया एक बेटा ऊपर बड़ा सेल और एक क्या है नीचे ये जो टू सेल्ड स्ट्रक्चर बना है दिस इज द मेल या इसी को बेटा बोलते हैं पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है इट इज द मेल गैमिटोट ठीक है अब तुम्हें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, से है, है वेजिटेटिव सेल और द ट्यूब सेल क्योंकि ये ट्यूब बनाता है पॉलन ट्यूब बनाता है वेजिटेटिव और द ट्यूब सेल नीचे वाले सेल ने मेल गैमिट बनाना है तो इसको बोलते हैं जॉम सेल या फिर जेनरेटिव सेल जर्म सेल या फिर जेनरेटिव सेल क्या इतना समझ आया <coughs> दो सेल बन गए बड़ा वाला सेल जिसमें खूब नरिशमेंट है बहुत सारी एनर्जी है बहुत सारा खान पान है ठीक है उसको बोल देंगे हम वेजिटेटिव सेल वो ऊपर प्रेजेंट है और जो नीचे सेल है उसने आगे जाकर मेल गैमिट्स बनाने हैं तो इसको जो गैमीट बनाता है भैया वो जर्म सेल ही होता है ये तो हमें ह्यूमन से ही पता है तो नीचे वाले छोटे सेल को तुम लोग क्या बोल दोगे जर्म सेल बोल दोगे तो वेजिटेटिव सेल की खास बात क्या है मैं आगे फिर से बना रही हूं बेटा इसको यस ठीक है जी ऊपर वाला सेल कौन सा है वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव सेल बेटा लार्ज है ऑब्वियसली क्योंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा है इसके पास है ना अब तो आवाज आ रही है ना हाँ ठीक है मोर साइटोप्लाज्म बहुत सारा खाना अबंडेंट फूड ठीक है न्यूक्लियस बड़ा इरेग्युलर है न्यूक्लियस बेटा एक्चुअल में बड़ा ना है ऐसा देख रहे हो इरेग्यूलर न्यूक्लियस और बेटा इसको ना मैंने ट्यूब सेल भी बोला था क्या बोला था ट्यूब सेल भी बोला था क्यों क्योंकि यही क्या बनाता है पोलन ट्यूब फॉर्म्स पोलन ट्यूब वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बड़ा वाला सेल जो ऊपर प्रस्तुत है वो खाना स्टोर करके बैठा है और वो पोलन ट्यूब बनाता है जब ये स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे जब ये बेटा कार्पल के ऊपर जाएंगे तो पोलन ट्यूब कौन सा सेल बनाएगा बड़ा वाला सेल किसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ग्रेन किससे बना है माइक्रोस्पोर से बना है तो ये पूरी ना हायरार की तुमको याद रखनी है दूसरे सेल का नाम है बेटा यहां पर जोम सेल ये छोटा है ऐसा लगता है कि जैसे वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा है ऐसा प्रतीत होता है दैट इट इज फ्लोटिंग फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं वेजिटेटिव सेल ठीक है स्पिंडल शेप है थोड़ा सा स्पिंडल शेप इसका क्या काम है भैया जॉम सेल इसका नाम है स्मॉल है जॉम सेल का काम है मेल गैमेट बनाना इट इज गोइंग टू फॉर्म मेल इसने अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर दो मेल गैमिट माइटोसिस से बनाने हैं कैसे बनाने हैं मियोसिस अब हो चुकी है बेटा अब म्योसिस नहीं करेंगे अब क्या करेंगे माइटोसिस करेंगे तो मियोसिस से हमने क्या बनाए माइक्रोस्पोर बनाए किससे बनाए से बनाए। माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल किस में घुस के बैठा था माइक्रोस्पोर मदर सेल बेटा स्पोरोजीनियस टिश्यू में था स्पोरोजीनियस टिश्यू किसमें भरा हुआ था माइक्रोस्पोरेंजियम में था माइक्रोस्पोरेंजियम किसका पार्ट है यानी कि स्टेमन का पार्ट है तो तुम समझे माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरेनजियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू टिश्यू से बना बेटा कुछ सेल डिफरेंशिएट होके बना एमएमसी एमएमसी में हुई मियोसिस तो बने एक एमएमसी से बना चार माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर को आगे लेके चलो उसने क्या करी बेटा वैक्यूलाइजेशन माइटोसिस करके दो सेल बनाए नीचे वाले सेल ने फिर माइटोसिस करके दो गैमेट बना लिए ठीक है दो गैमीट बना लिए कैसे माइटोसिस से यानी कि नाउ द पोलन ग्रेन इज रेडी अब एंथर फट जाए पोलन ग्रेन अपना तैयार है बेटा लेकिन ये जो शेडिंग है ना पोलन ग्रेन में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें थ्री सेल स्टेज में होती है ये जब टूट जाता है तभी होती है मेल गैमिट बन जाता है तभी होती है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जिसमें टू सेल स्टेज में होती है और ये जो माइटोसिस है ये ये स्टिग्मा के ऊपर जाके करते हैं ठीक है तो ये नाउ द पोलन ग्रेन आर रेडी शेडिंग की बात करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन बेटा इन सिक्सटी परसेंट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट कितना सिक्सटी परसेंट एंजियोस्म में एंड फोर्टी बचे कौन फोर्टी परसेंट एंजियोस्प इंजोस्पम्स देखिए सिक्सटी परसेंट एंजियोस्प में एंथर विल डिहिस डेह मतलब फट जाएगा टू सेल्ड स्टेज में एंथर डेहस एंड पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स कम्स आउट एट टू सेल्ड स्टेज तुम सोच रहे हो ये टू सेल्ड स्टेज है ये देखिए अंदर है अपना इंटाइन बाहर है अपनी एग्जाइन और ये टू सेल्ड स्टेज है अभी नीचे वाले सेल ने जर्म सेल ने माइटोसिस नहीं करी है जबकि 40 परसेंट में ग्रेन रिलीजेस एट थ्री सेल स्टेज नीचे वाला जर्म सेल बेटा डिवाइड कर चुका है यानी कि पहले टू सेल्ड था अब बेटा नीचे वाले सेल ने अल्टीमेटली डिवीजन करके दो गैमीट बना लिए टू मेल गैमीट बना लिए तो चालीस परसेंट प्लांट बेटा ये पहले ही बन जाते हैं 40 परसेंट सिक्सटी परसेंट प्लांट में स्टिग्मा के ऊपर जाकर बनते हैं स्टिग्मा के ऊपर जाकर बनते हैं क्या इतना समझ आया बेटा बताइए <laughs> ठीक है इतना इतना समझ आया यस सिक्सटी परसेंट में इन अ टू सेल स्टेज और फोर्टी परसेंट में ही ये थ्री सेल स्टेज में जाता है ठीक है जी तो ये बात हो गई आपकी पोलन ग्रेन मैंने कैसे बनाया क्या डिविजन समझ आ गई सबको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ आई कि मैंने कैसे कैसे किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनाए माइक्रोस्पोर आगे टू सेल स्टेज में डिवाइड हुए ट्यूब सेल और जॉर्म सेल जर्म सेल को जेनेटिव सेल भी बोलते हैं ट्यूब सेल ने क्या बनाया पोलन ट्यूब बनाई और जर्म सेल क्या बनाएगा टू मेल गैम बनाएगा या तो पहले बना लेगा 60 परसेंट में बा, बाद में बनाता है और 40 परसेंट में पहले बनाता है एक बार बता दो सब बच्चे बता दो मुझे यस पोलन ग्रेन आर द मेल गैमिटोफाइट ओनली पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमिटोफाइट अब अगला टॉपिक आता है बेटा वट आर द पोलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं यस द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन ये देखो मान, बेटा ये मान लीजिए एक पोलन ग्रेन है एक पोलन ग्रेन की बात कर रही हूं द वॉल द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज द एग्जाइन द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज द इंटाइन ठीक है और ये पूरी वॉल को अपने लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म क्या बोलते हैं बेटा जी स्पोरोडर्म बोलते तो स्पोरोडर्म के दो हिस्से हैं कौन सा बाहर वाला एग्जाइन और अंदर वाला खुद सोच के बताओ हार्ड वाला कौन सा होगा खुद सोच के बताइए बेटा हार्ड वाला कौन सा होगा? बता दो फटाफट से। बस बेटा ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें बड़ा वो हो गया ना दिक्कत हो गई अरे मैं आपने ज्यादा कैसे बता दिया आज इतनी देर हो गई छह बज गया हाँ

तो बेटा, हार्ड आउटर लेयर इट इज बना है कहाँ से आया है से। अब स्पोरोपोलिन बेटा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हाई यू नो बेसिक कंडीशन को सरवाइव कर सकता है इसको फर्क नहीं पड़ता किसी एंजाइम से किसी भी चीज से

विल एग्जाइन विल प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन ये फॉसिलाइजेशन में भी मदद करता है ठीक है जी यस एंड इसके पास अलग अलग तरीके के डिजाइन हैं बहुत सारे पैटर्न्स हैं डिजाइन अलग अलग तरीके के हैं जिनका बेटा टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस है अब बेटा एक एग्जाइन का हिस्सा ऐसा है जहां पर स्पोरोपोलिन एबसेंट है ये देखो या फिर मैं नीचे दोबारा बनाती हूँ ये देखिए मान लीजिए एग्जाइन है येलो कलर से मैं बना रही हूँ और बीच वाली क्या है इंटाइन अब तुम यहां पे नोटिस करो एक हिस्सा एक्साइन का दिस इज द एक्साइन एक हिस्सा बेटा एक्साइन का ऐसा जहां पर है ही नहीं स्पोरोपोलिन है ही नहीं बेटा यहां पर ये बन गया है एक छेद इसी छेद से पोलन ट्यूब निकल के आएगी इस छेद को, को अपने लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज जॉम्पोर क्या बोलते हैं बेटा जी जॉम्पोर जॉम्पोर क्या है वेर स्पोरोपोलिन इज एबसेंट स्पोरोपोलिन इज एबसेंट तो एक्साइन के अंदर एक छेद है जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है उसको बोला जाता है बेटा जर्म पोर ठीक है जी पोलन ट्यूब यहीं से बाहर आती है सो so, पोलन ट्यूब्स कम आउट ऑफ दिस ठीक है बेटा यस नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अंदर वाली लेयर अंदर वाली लेयर को अपने लोग बोलते हैं इंटाइन कुछ नहीं है बेटा बड़ी पतली है ये इसमें कोई छेद वेद नहीं है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लेर इट इज अंटिन्यूअस लेर बिल्कुल बेटअप प्लस वाले बच्चे भी इन नोट्स को रेफर कर सकते हैं मैं वहां पर कुछ अलग नहीं पढ़ाती हूं लेकिन ज्यादा ज्यादा इंटरक्शन के साथ डाउट्स के साथ डीपीपीस के साथ पढ़ाती हूँ इट इज मेडअप ऑफ सेल्यूलोस पेक्टेन पेक्टोसेल्यूलोसिक ठीक है एंड दिस इज द गोइंग टू फॉर्म द पोलन ट्यूब द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन ंग टू फॉर्म पोलन ट्यूब तुमसे पूछा जाएगा पोलन ट्यूब का एक्सटेंशन कहा पोलन ट्यूब अल्टीमेटली निकली कहां से इंटाइन से निकली ठीक है कहाँ से निकली इंटाइन से निकली यहीं से तो निकलेगी बेटा तो पोलन ट्यूब आपकी यहां से निकलेगी और यहां पर छेद प्रेजेंट है जो की है एक्साइन में यहां तक बात समझ आई <laughs> सो विद विद दिस वी आर डन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन कल की कक्षा में बेटा अपने लोग डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे पोलन की वायबिलिटी पोलन के प्रोडक्ट्स इन सब के बारे में अपने लोग बात करेंगे <laughs> हाँ जी इन सब के बारे में बेटा अपने लोगों ने बात करनी है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा मुझे तुम्हें देनी थी एंड दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द अनसेट अनसेट बेटा अपना आ चुका है यहाँ पे तुम्हें दिखाती हूँ ये सारे नोट्स बेटा टेलीग्राम पे अभी दे दूंगी मैं हाँ जी इधर आ जाओ सबसे पहली चीज बेटा 26 से लेकर 30 तारीख तक आपके पास 20% ऑफ का ऑफर है मेरा नया बैच ऑलरेडी चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच आप उसमें इनरोल हो सकते हैं प्लस और आइकॉनिक पर 20% आपको ऑफ मिलेगा हर टाइप की सब्सक्रिप्शन पर ये ऑफर सिर्फ चार दिन के लिए ये ऑफर को अवेल करने के लिए बेटा कोड लगाइएगा सी अच्छा क्लास अच्छी लगी तो यार कॉमेंट जरूर करके जाना जरूर जाना। और कल की क्लास में जरूर पधारना कल हम से शुरू कर देंगे साथ ही आप स्कूल के साथ इसको करते, करते तो हैं प्लस भी आइकॉनिक भी तो जो बच्चे ट्वेल्थ या इलेवंथ में उनके लिए ये वाला ऑफर सबसे बेस्ट रहेगा देन बेटा की बात करें तो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह हो रहा है एट्थ और फिफ्टीन ऑफ अक्टूबर को है तो यार इसमें सिर्फ सौ का टेस्ट है उसपे भी

हाँ जी बताइए क्या इतना समझ आया <laughs> चलिए तो कल बेटा कार्पल और पिस्टल के बारे में बात करेंगे और मेगास्पोरोजेनेसिस करेंगे आज अपने माइक्रोस्फोरोजेनेसिस आज जितना मैंने कराया बेटा उसकी आप प्लीज एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा मैंने आपको सारी चीजें दिखा दिए ये डिजिशन दिखाई हुई है बेटा जब डिस करेगा तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे रीड जरूर करके आना इसको ये चीज बेटा हम कल डिस्कस करेंगे ओके चलिए अभी नोट्स भेज देती हूँ थैंक यू सो मच अब आप फिजिक्स की क्लास लगाएं और उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास लगाएं ओके चलिए थैंक यू गाइज टेक केयर बाय बाय